पे 3 बार तलाक कह दिया बस, और पेपरों पे साइन करवा लिया। मुझे पता भी नहीं था कि बच्चे की भी लिख रखी है इसमें। मेरे लिए बहुत मुश्किल बन गई है, नहीं संभल पा रही हूँ मैं। इस बच्चे को देना नहीं चाहती, उन्होंने लिखवा रखा है कि इसकी शादी कहीं और होगी तो ये बच्चा ले लेंगे हम, और पेपरों पे साइन करवा लिए। मुझे पता भी नहीं था कि बच्चे की भी लिख रखी है इसमें। अप्रैल 18 को उन्होंने मेरे को ड्राइंग रूम में बुलाया एंड और बोले कि मैंने तुम्हें सॉरी 24 अप्रैल को बुलाया और बोला कि 18 अप्रैल को मैंने तुम्हें तलाक दे। व्हाट इज माय स्टेटस? हु एम आई? लीगली आई एम सपोज टू बी अकॉर्डिंग टू द मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ऑल्सो, मैं उनकी बीबी हूँ तो मैं ऐसे रहती हूँ? बीबी हूँ तो मुझे डर के रहना पड़ता है दुनिया वालों से कि लोगों को नहीं बताना कि हस्बैंड नहीं रहता साथ में। मुझे ये कह दिया गया कि तुम हमारे काम की नहीं हो, मैंने तुम्हें तलाक दिया और तुम जाओ, ना ये मेरे बच्चे हैं और ना ही तुम्हारे से मेरा कोई वास्ता है। ये नदीम, अगर तुम ये सोचते हो कि 3 बार तलाक कहने से तुम पीछे छुड़ा लोगे, ये दिमाग से निकाल दीजिए। मुझे आना उसी घर में, मैं हक से आई थी, मेरी कोई लव मैरिज नहीं थी, मैंने कोई भाग के नहीं किया था, सब लोगों के सामने रजामंदी से रिश्ता हुआ था और शादी हुई है, तो मेरा तो हक बनता है उस घर पर आने के लिए। रमजान में 24 जून को व्हाट्सएप पे तलाक लिख के भेज दिया। अब मेरे विकलांग बेटे और मेरी बेटी को लेके मैं कहाँ जाऊँ, किसके सहारे रहूँ? मेरी बेटी जो पैदा हुई है उसको फरीद ने देखा भी नहीं। पति पत्नी के बीच में ऐसे छोटे मोटे झगड़े होते रहते हैं, लेकिन मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि मुझे व्हाट्सएप पे तलाक दे देंगे। 4 अलग अलग महिलाएं, लेकिन चारों का दर्द एक। जिंदगी भर का रिश्ता सिर्फ 3 शब्द बोलकर खत्म कर दिया गया।